नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मादानापेट और सईदाबाद में 8 घंटे कर्फ्यू में नरमी, हालात पुरअमन, बाजारों में चहल पहल मामूल पर। गुजरात फसादात के दौरान ओडे गांव में मुसलमानों के कत्लेआम में मुलविस 18 मुजरिमीन को उम्र कैद की सजा। हक तालीम एक्ट दस्तूरी तौर पर जरूरी और दुरुस्त, खानगी इमदादी इदारों में गरीब बच्चों को 25% नशिस्तें फराहम करने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया खैर मकदम, गरीब बच्चों का मुस्तकबिल संवर सकता है कपिल सिब्बल का बयान। एमसेट की तमाम तैयारियां मुकम्मल, 12 मई को होगा इम्तिहान, 25 मई को नतीजे का ऐलान। वाईएसआर पर तनखीद से कांग्रेस और हुकूमत को हो सकता है नुकसान, रियासती वजीर डी नागेंद्र का रिमार्क। गुंटूर में जेर तामीर स्कूल की दीवार मुनहदम, 5 मजदूर हलाक, चीफ मिनिस्टर ने दिया तहकीकात का हुक्म। और शाम में अमन मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज, आज से फौजी कार्रवाइयां रोक देने शामी हुकूमत का ऐलान। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की अहम इलाकाई खबरें। मादानापेट और सईदाबाद में आज 8 घंटों के लिए कर्फ्यू में दी गई नरमी के दौरान किसी भी तरह का कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया है। आज कर्फ्यू में दी गई नरमी के दौरान दोनों इलाकों में हालात मामूल के मुताबिक नजर आए और बाजारों में भी चहल पहल देखी गई। पुलिस की जानिब से कर्फ्यू में नरमी के दौरान चौकसी अख्तियार की गई थी, ताहम बाज़ मुकामात पर खारदार रुकावटें खड़ी किए जाने से राहगीरों को मुश्किलात पेश आईं। गैर मुतासर इलाकों में भी कारोबार और चहल पहल मामूल के मुताबिक देखी गई। तमाम चारशंबे की रात पुलिस की जानिब से 8 बजे ही दुकानात बंद कराए जाने की शिकायत भी मौसूल हुई हैं। कर्फ्यू में नरमी के दौरान मादानापेट मंडी में भी काफ़ी हुजूम देखा गया। शहर में अशरार की जानिब से अमन की फ़जा को मुतासिर करने की कोशिशें जारी हैं। आज सुबह अशरार की जानिब से मगलपुरे में वाक़ एक मंदिर में गोश्त फेंके जाने का वाक़ा पेश आया। इस वाक़े की इत्तला होते ही पुलिस मुकाम में वाक़ा पहुंच गई और आसपास के इलाकों में पुलिस की पेट्रोलिंग में भी शिद्दत पैदा कर दी गई। ऐसा महसूस होता है कि शरपसंद सिर्फ शहर में अमन की फ़जा को मुतासिर करने की कोशिशें कर रहे हैं और इसी मकसद के तहत मजहबी मुकाम को निशाना बनाया जा रहा है। मगलपुरे में पेश आए वाक़े की इत्तला मिलते ही रुकन बल्दिया मोहसिन बलाला मुकाम वाक़ा पहुँच गए। उन्होंने इस सिलसिले में पुलिस के अहदेदारों से बात करते हुए मसाजिद और दीगर मजहबी मुकामात को निशाना बनाने वाले अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मोहसिन बलाला ने कहा कि एक ही ग्रुप इस तरह की हरकतों के जरिए अमन की फ़जा को मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है। आज यहाँ मोगलपुरा हनुमान मंदिर के पास यहाँ के कमेटी के लोग मुझे फ़ोन किए थे कि यहाँ पर कुछ अशरार शर्मगेजी पैदा करने के लिए यहाँ पर कुछ गाय का गोश्त कुछ यहाँ पर मंदिर के पास डाले थे। तो जैसा ही बारिश असदुद्दीन अवैसी साहब को मालूम हुआ, उन्होंने मुझे हिदायत दी कि फौरी यहाँ पर जाएं और जाकर देखें क्या है। हमारी पार्टी इस किस्म के फिरकवारा चीज़ों को मजम्मत करती है और ये जो भी है, जो भी मंदिरों के पास मस्जिदों के पास जो चीज़ कर रहा है, ये कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो ये कामा कर रहा है दोनों कम्युनिटियों को लड़ाने के लिए। हम पुलिस से भी गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और जो भी है, जो भी कर रहा है ये मंदिरों के पास चाहे मस्जिदों के पास जिधर भी कर रहा है, सख्त से सख्त एक्शन लीजिए और इसकी कार्रवाई करिए।
एमसेट कमेटी के कन्वीनर रमना राव ने बताया कि 12 मई को मुनक्किद होने वाले एमसेट के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि 26 अप्रैल से हॉल टिकट्स जारी किए जाएंगे। रमना राव ने बताया कि 12 मई को मुनक्किद होने वाले एमसेट में अब तक इंजीनियरिंग के लिए 2.9 लाख और मेडिसिन के लिए 92,000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। रमना राव ने बताया कि 13 मई को की जारी की जा सकती है, जबकि 25 मई को एमसेट नतायज का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि साल एमसेट निशानात और रैंक्स की एक साथ इजराई के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। रमना राव ने बताया कि मेडिसिन में गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल 60% दरख्वास्तें ज़ायद मौसूल हुई हैं। रियासती वजीर लेबर डी नागेंद्र ने कहा कि वाईएसआर पर इल्जाम लगाने से हुकूमत और कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। मीडिया से बात करते हुए नागेंद्र ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान वाईएसआर की तस्वीर के इस्तेमाल का फैसला वजीर आला और कांग्रेस आला कमांड करेंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने पहले ही यह हिदायत दे दी है कि वाईएसआर को तनकीद का निशाना न बनाया जाए। उन्होंने सवाल किया कि वाईएसआर का ख्वाब था कि राहुल गांधी को 2014 में वजीर आजम बनाया जाए, क्या जगन मोहन रेड्डी अपने वालिद के ख्वाब को पूरा करेंगे। नागेंद्र ने यह भी सवाल किया कि आखिर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का मंशूर क्या है। नागेंद्र ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी ने सिर्फ कांग्रेस पर तनकीदें करने के लिए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का क्याम अमल में लाया है। उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि हुकूमत की फलाही स्कीमों को अवाम तक पहुंचाने में नाकामी हुई है। नागेंद्र ने कहा कि वाईएसआर ने कभी भी तेलंगाना की मुखालिफत नहीं की थी और उन्होंने सिलसिले में जिदोजहद भी की थी। उन्होंने नौजवानों से खुदकुशी न करने की अपील करते हुए कहा कि जल्द ही इस मसले का फैसला किया जाएगा। संबंधित वालों वाईएस राजशेखर रेड्डी गारिनि विमर्शించడం అనేది అది చాలా దురదృష్టకరం। అందుకనే నిన్న కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా సమావేశం ద్వారా చెప్పడం జరిగింది। రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి ఇదికా మనం విమర్శించేది లేదు అని చాలా కేటగరికల్గా చెప్పడం జరిగింది। అందుకనే రఘువీర రెడ్డి గారు కూడా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ చెప్పడం జరిగింది। ఎందుకంటే నిన్న మొన్న గాలికి గెలిచిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉంటారు, వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడుతా ఉన్నారు, ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడు, దానివల్ల పార్టీ యొక్క నష్టం జరుగుతుందనే విషయాన్ని గ్రహించాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ రోజు। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी वेंकटराव ने शिकायत की कि जिंदगी भर अवामी खिदमत के बाद भी उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। मीडिया से बात करते हुए वेंकटराव ने कहा कि इस नाइंसाफी के बावजूद भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई है, क्योंकि वो समझते हैं कि कांग्रेस ही उनकी जिंदगी है और उन्हें कांग्रेस के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। वेंकटराव ने कहा कि वो मरते दम तक कांग्रेस की खिदमत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उसूल सिर्फ कागजी बनकर रह गए हैं, जबकि सेक्रेटरीट और गांधी भवन में पार्टी उसूलों पर अमल नहीं किया जा रहा है। లక్ష ఎకరాలు పెద్దవాళ్ళ చేతుల్లో ఉంది, దుర్మార్గుల చేతుల్లో ఉంది, తోపిటిదారుల చేతుల్లో ఉంది, 1000 ఎకరం పైన నాకు తెలిసిన దేవాలయం చుట్టూ ఉంది, అక్కడ కవులు 2 బస్తాలు ఇస్తున్నారు, పొలిటీషియన్స్ చేయి లేకుండా ఆంధ్రదేశంలో ఎక్కడా లేదు, దుర్మార్గం లేదు, టీడీపీనా కాంగ్రెసా కమ్యూనిస్టులా ఎవడ। अलहदा तेलंगाना जेसी की बस यात्रा के बाद अब बीजेपी की जानिब से 16 अप्रैल से भरोसा यात्रा का आगाज किया जाएगा। बीजेपी के दफ्तर में पार्टी सदर किशन रेड्डी ने सिलसिले में एक पोस्टर भी जारी किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बीजेपी युवा मोर्चा के सदर वेंकटेश्वर लू ने बताया कि भरोसा यात्रा का आगाज जिले महबूबनगर के अलमपुर से होगा, जो 26 अप्रैल को यात्रा परकाल पहुँच कर इख्ताम को पहुँचेगी। इस यात्रा को किशन रेड्डी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यात्रा का मकसद नौजवानों में खुदकुशी न करने के लिए शऊर बेदार करना है और उन्हें इस बात का यकीन दिलाना है कि बीजेपी पर भरोसा किया जाए, क्योंकि बीजेपी अलहदा तेलंगाना के लिए संजीदा जिद्दोजहद कर रही है। खैबागिरी के रैकेट के सिलसिले में गिरफ्तार तेलुगु फिल्म अदाकारा तारा चौधरी से मुतालिक रोज नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। जराए के मुताबिक तारा चौधरी के घर से दस्तियाब सीडीज और कंप्यूटर हार्ड डिस्क से सियासी कायदीन की तस्वीर भी बरामद हुई हैं। पुलिस को पेनड्राइव भी हासिल हुई है। यह भी पता चला है कि तारा चौधरी ने तेनाली के एक रुकन असेंबली को भी ब्लैकमेल किया था। इसके अलावा एक रुकन पार्लियामेंट से हुई बातचीत का रिकॉर्ड भी पुलिस को हासिल हुआ है। पुलिस की जानिब से तारा चौधरी से मुसलसल पूछताछ जारी है। ज़िले गुंटूर के डोंका इलाके में स्कूल की ज़ेर इमारत तामीर के काम के दौरान दूसरी इमारत की दीवार के मुनद्दम हो जाने से 5 मजदूर हलाक हो गए हैं और 3 मजदूरों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है।
दीवार गिरने के बाद मजदूर जिंदा दफन हो गए जिन्हें बाहर निकाला गया। लाशों को निकालने का काम अभी भी जारी है। महलुकीन में 4 खवातीन और 1 मर्द शामिल हैं। महलुकीन के वरसा ने इस वाक़े पर एहतजाज भी किया है। जख्मियों का इलाज ICU में जारी है। बताया जाता है कि स्कूल की इमारत की तामीर के लिए बल्दिया से कोई इजाज़त हासिल नहीं की गई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। उधर दूसरी जानिब चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने जिला कलेक्टर को इस वाक़े की तहकीकात की हिदायत दी है। సంఘటన సంబంధించిన మేము ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేసాము, క్రిమినల్ నెగ్లిజెన్స్ కేసు ఒక రిజిస్టర్ చేసాము. డెఫినెట్గా యాక్షన్ తీసుకుంటాము, అన్ని యాంగిల్స్లో అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నారా లేదా అది ఇప్పుడు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాము. బెంగళూరు బేస్ కంపెనీ అతను వాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ సూపర్వైజర్ ఎవరు, వాళ్ళ ఇంజనీర్స్ ఎవరు, మొత్తం పేరు తీసుకొని అందరికీ అరెస్ట్ చేస్తాము. ఇప్పుడు దానం అంటే ఇప్పుడు చెప్పలేము, బట్ ఒకటి విషయం మాత్రం అంటే ప్రికాషన్స్ తీసుకోలేదు, సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ తీసుకోలేదు సూపర్వైజర్. సమ్ బెంగళూరు బేస్ కంపెనీ, డీటెయిల్స్ మధ్యాహ్నం ఇస్తాము. अब देखते हैं क्या है आज की अहम कौमी खबरें। गुजरात के जिले आनंद की एक खसूसी अदालत ने 2002 फसादात के दौरान ओडे गांव में 23 मुसलमानों के कत्लेआम के मुकदमे में 18 मुलजमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहां बाकी 5 मुलजमीन को 7 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उम्र कैद की सजा पाए मुलजमीन को 5,800 और 7 साल की सजा पाए 5 मुलजमीन को 3,800 रुपये फीकस जुर्माने की भी सजा सुनाई है। अदालत में जब मुलजमीन को सजाओं का फैसला सुनाया जा रहा था उस वक्त अदालत में मुलजमीन के कई रिश्तेदार भी मौजूद थे और बाज़ अफराद को अदालत के अहाते में रोते हुए भी देखा गया। बाज़ मुलजमीन के रिश्तेदार ये इल्ज़ाम भी लगा रहे थे कि यह नाइंसाफ़ी है और ये अदालत इंसाफ का नहीं नाइंसाफ़ी का मंदिर है। वाज़ह है कि 1 मार्च 2002 को गुजरात फसादात के दौरान ओडे गांव में 23 मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया था। इस मुकदमे में 47 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था जिनमें से 23 को कसूरवार करार दिया गया था। इससे पहले खसूसी इस्तगासा के वकील BM परमार ने इस वाक़े को शाज़ो नादर का वाक़ा करार देते हुए मुलजमीन के लिए सजाए मौत की दरख्वास्त की थी। तहम अदालत ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इस दौरान मुलजमीन के वकील ने खसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू होने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज हक़ तालीम को दस्तूरी तौर पर ज़रूरी और दुरुस्त करार देते हुए कहा कि हक़ तालीम सरकारी और इदारेजात मुकामी के ज़ेर कंट्रोल स्कूल्स पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका इतलाक़ तमाम इमदादी खानगी और अखलती स्कूल्स पर भी होता है जो हुकूमत से इमदाद हासिल करते हैं। गैर इमदादी स्कूल्स में खानगी अखलती स्कूल्स पर यह हक़ नाफिज़ नहीं होगा। गरीब तलबा के लिए खानगी स्कूल्स में 25% नशिस्तें मख्तस करने का कानून हक तालीम के दस्तूरी मौक़िफ़ को चैलेंज करते हुए दाखिल करदा दरख्वास्तों की समाअत के बाद अदालत ने अपना यह फैसला सुनाया। जस्टिस कपाडिया, जस्टिस राधाकृष्णन और जस्टिस स्वतंत्र कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने इस मसले पर दरख्वास्तों की तवील समाअत के बाद फैसले को महफूज कर दिया था जिसे आज सुना दिया गया। उधर मरकजी वजीर कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हक़ तालीम एक्ट को दुरुस्त और जायज़ करार दिए जाने के फैसले का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि खानगी इमदादी स्कूल्स में गरीब बच्चों के लिए 25% नशिस्तें फराहम करने के फैसले से गरीब बच्चों का मुस्तकबिल भी बेहतर होगा। कपिल सिब्बल ने बताया कि गरीब बच्चों के लिए 25% नशिस्तों को मुख्तस किए जाने का इतलाक गैर इमदादी अखलती स्कूल्स पर नहीं होगा। सबसे बड़ी बात और ये क्लैरिटी जो सुप्रीम कोर्ट आज लाए हैं अपने जजमेंट द्वारा, मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं और मैं समझता हूं कि अब जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो संस्थाएं शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से तय कर दिया है कि जो 25% का जो रिजर्वेशन है वो हर एडेड इंस्टीट्यूशन को लागू होगा, प्राइवेट एडेड इंस्टीट्यूशन को लागू होगा, माइनॉरिटी एडेड इंस्टीट्यूशन को लागू होगा, केवल एक इंस्टीट्यूशन को नहीं लागू होगा, प्राइवेट माइनॉरिटी अनएडेड इंस्टीट्यूशन को वो 25% रिजर्वेशन लागू नहीं रहेगा, बाकी सब इंस्टीट्यूशंस को लागू होगा। ये क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी था क्योंकि इसमें बड़ी चर्चा भी हो रही थी और लोग परेशान भी थे।
सदर जमुरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से डूची हर्रास से मुतालिक वजाहत तलब किए जाने के लिए सदारती हवाले पर दस्तखत कर दिए हैं। हुकूमत की जानिब से यह वजाहत तलब की गई थी कि आया एनडीए के दौरेदार में अलॉट किए गए डूची लाइसेंस को भी मनसूख किया जाना चाहिए। मंगल को हुकूमत ने सदारती हवाला जारी करने पर रजामंदी जाहिर कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 122 डूची लाइसेंस को मनसूख करने की हिदायत दी थी। उड़ीसा में माविस्टों ने इरगमाल बनाए गए इतालवी सयाह बोसुस्को पाओलो को आज सुबह रिहा कर दिया है। तहम अभी तक अगवा किए गए रुकने असेंबली जिनका हिकाका का हशर मालूम नहीं हो पाया है। माविस्टों ने इतालवी सयाह को आज मुसालतकार डिंडा पानी मोहंती के हवाले कर दिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए मोहंती ने कहा कि इतालवी सयाह को हुकूमत के हवाले कर देंगे। उधर दूसरी जानब माविस्ट लीडर की बीवी सुभाष श्री दास को हुकूमत की जानब से रिहा कर दिया गया है। अब नजर डालते हैं बैनुल अक्वामी खबरों पर। शाम की वजारत दफा ने बागी जंगजों के खिलाफ जुमेरात से हर किस्म की फौजी कार्रवाइयां रोक देने का ऐलान किया है। शामी हुकूमत का दावा है कि उसने मुसलह दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई के मिशन को मुकम्मल कर लिया है। शामी वजारत दफा की जानिब से बयान चारशंबे की रात सरकारी टीवी पर नशर किया गया। वजारत दफा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुसलह दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां की हैं और अब जुमेरात से इन कार्रवाइयों को खत्म करने का फैसला किया गया है। इस दौरान हुकूमत और बागियों ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि अमन मंसूबे के मुताबिक फायरबंदी पर अमल दरामद किया जाएगा। इस जंगबंदी के लिए शाम के मुकामी वक्त के मुताबिक आज सुबह 6 बजे का वक्त तय किया गया था। ताहम उधर अपोजिशन और राबता कमेटियों ने बताया कि चारशंबे की रात सिक्योरिटी फोर्सेस ने 97 अफराद को हलाक कर दिया है। ताहम आजाद जराए से इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। शामी हुकूमत की जानिब से जंगबंदी के माहदे पर अमल दरामद के ऐलान पर भी शुबहात का इजहार किया गया है। हुकूमत मुखालिफ ग्रुपों का कहना है कि अगर शामी फौज अपने फौजियों को शहरी इलाकों से हटा लेती है तो वो जंगबंदी के मंसूबे पर अमल करेंगे। शाम की जानिब से कोफी अनान को एक मकतूब भी रवाना किया गया है जिसमें कहा गया है कि वो जुमेरात तक लड़ाई को बंद कर देंगे, लेकिन अगर बागी ग्रुपों की जानिब से हमले किए गए तो फिर उसका जवाब भी दिया जाएगा। यूनान के वजीर आजम लुकास पापादेमोस कबल इस वक्त इंतखाबात की राह हमवार करते हुए अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं। चारशंबे को पापादेमोस ने सदर कार्लोस पापालियोस को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। उन्होंने सदर से मुलाकात के दौरान इंतखाबात मुनक़िद कराने की भी दरख्वास्त की थी। इससे पहले पापादेमोस ने अपने इत्तेहादी काबीना को कबल इस वक्त इंतखाबात की तारीख से आगाह कर दिया था। सूडान और जनूबी सूडान के दरमियान एक मुतनाज़ा इलाके की मिल्कियत के लिए ज़बरदस्त लड़ाई जारी है। जनूबी सूडान की फौज ने हेगलिक इलाके में दाखिल होने का दावा किया है। उधर सूडानी फौज के तर्जमान कर्नल स्वार्मी खालद ने सरकारी रेडियो को बताया कि जोबा हुकूमत की फौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 मरतबा इस इलाके पर हमला किया है। इस इलाके में तेल के कुएँ पाए जाते हैं और इन कुओं की मिल्कियत को लेकर ही दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ा पाया जाता है। इस दौरान अफ्रीकी यूनियन ने दोनों ममालिक के दरमियान लड़ाई की शदीद मजम्मत की है। सूडान ने जनूबी सूडान के साथ बातचीत को खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। यमन के जनूबी सूबे अभियान में सरकारी फौज और अलकायदा के जंगजों के दरमियान अभी भी शदीद झड़पें जारी हैं। दारुल हुकूमत सना से मिली खबरों के मुताबिक अब तक इन झड़पों में 30 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। यमन के सरकारी हुकाम के मुताबिक अभियान के शहर लिजर से 100 किलोमीटर 2 कस्बे जबल यूसुफ में अलकायदा के जंगजों और फौज के दरमियान झड़पें हुई हैं। ऐन शाहिदीन ने बताया कि यमनी फौज ने लिजर के दाखिली दरवाजों पर 2 फिजाई हमले किए हैं। गुज़िश्ता पीर से जारी लड़ाई में अब तक 130 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं जिसमें अलकायदा जंगजों के बशमूल यमनी फौजी भी शामिल हैं। शुमाली कोरिया की जानिब से मुतनाज़ा रॉकेट लॉन्च के ऐलान किए गए वक्त का आगाज हो गया है। तहम न्यूज़ एजेंसी एएफपी ने खबर दी है कि फौरी तौर पर रॉकेट खला में भेजे जाने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इससे पहले शुमाली कोरिया ने ऐलान किया था कि जुमेरात 12 अप्रैल से पीर 16 अप्रैल के दरमियान किसी भी वक्त अपना एक सेटेलाइट खला में रवाना कर सकता है। तवक्को की जा रही है कि रॉकेट इतवार 15 अप्रैल की रात खला में भेजा जाएगा क्योंकि उसी दिन शुमाली कोरिया के बानी किम इल सुंग की 100वीं में पैदाइश है। अमेरिका और जनूबी कोरिया के बशमूल आलमी बरादरी को शुबा है कि शुमाली कोरिया सेटेलाइट भेजने की आड़ में दूर तक मार करने वाला मिसाइल का तजुर्बा कर रहा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
मादानापेट और सईदाबाद में 8 घंटे कर्फ्यू में नरमी, हालात पुरमन, बाजारों में चहल पहल मामूल पर। गुजरात फसादात के दौरान ओडे गांव में मुसलमानों के कत्लेआम में मुलविस 18 मुजरिमीन को उम्र कैद की सजा। हक तालीम एक्ट दस्तूरी तौर पर जरूरी और दुरुस्त, खानगी इमदादी इदारों में गरीब बच्चों को 25% नशिस्तें फराहम करने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया खैर मकदम, गरीब बच्चों का मुस्तकबिल संवर सकता है कपिल सिब्बल का बयान। एमसेट की तमाम तैयारियां मुकम्मल, 12 मई को होगा इम्तिहान, 25 मई को नतीजे का ऐलान। वाईएसआर पर तनखीद से कांग्रेस और हुकूमत को हो सकता है नुकसान, रियासती वजीर डी नागेंद्र का रिमार्क। गुंटूर में जेर तामीर स्कूल की दीवार मुनहदम, 5 मजदूर हलाक, चीफ मिनिस्टर ने दिया तहकीकात का हुक्म। और शाम में अमन मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज, आज से फौजी कार्रवाइयां रोक देने शामी हुकूमत का ऐलान। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा, अल्लाह हाफिज़।